एमएस एक्सेस की लास्ट क्लास में या लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था आखिर डेटाबेस क्या होता है और किस लिए क्रिएट किया था। आज हम सीखेंगे उसके अंदर कि एमएस एक्सेस में जो डेटाबेस क्रिएट करते हैं उसमें टेबल क्या होती है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा डिटरमाइन टेबल्स, यानी टेबल क्या है। अ टेबल इज अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रो एंड कॉलम, यानी टेबल एक एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी मेथड है जिसका यूज किया है जो कि रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है, और पॉसिबली इन अ मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, यानी रो एंड कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। टेबल आर वाइडली यूज इन कम्युनिकेशन रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस। टेबल अपेयर इन प्रिंट मीडिया, हार्ड राइटन, रिटन नोट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। यानी कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि टेबल डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक ऐसा टाइप है, एक ऐसी मेथड है जिसका यूज करके हम किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को रो एंड कॉलम के बेसिस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि कम्युनिकेशंस का डेटा होता है, रिसर्च का डेटा होता है, मीडिया एनालिसिस का डेटा होता है, प्रिंट का डेटा होता है, हैंड रिटन नोट्स होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर में जो इंफॉर्मेशन को स्टोर की जाती है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को रो एंड कॉलम पे डिस्प्ले करने के लिए हम टेबल्स का ही यूज करते हैं। इसके बाद टेबल्स में आती है फील्ड। आखिर फील्ड क्या होता है? द फील्ड इज रिटन बाय द बेस ऑफ विच इट इज यूज टू फिल द डेटा इन द टेबल। यानी टेबल में किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए, टेबल में किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए हमें जिस बेस की आवश्यकता होती है उसे हम फील्ड कहते हैं। फील्ड इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलम, कैप्शन, हेडिंग एंड एट्रीब्यूट। यानी टेबल में किसी भी इंफॉर्मेशन को फिल करने के लिए हमें जिस बेस की आवश्यकता होती है उसे हम फील्ड कहते हैं। जैसे कि कॉलम, उसे हम कॉलम भी बोल सकते हैं, उसे हम कैप्शन बोल सकते हैं, उसे हम हेडिंग बोल सकते हैं, उसी को हम एट्रीब्यूट्स भी बोल सकते हैं, जिसे हम एमएस एक्सेल में फील्ड कहते हैं। उसी को हम लोगों ने एमएस एक्सेल में कॉलम के नाम से भी पढ़ा था। उसी को हम हेडिंग्स भी बोलते हैं, उसी को कैप्शन कहा जाता है, उसी को लेबल भी कहा जाता है। तो यहां पर मैं एमएस एक्सेस में आपको एक टेबल क्रिएट करके दिखा देता हूं। उसके लिए मैं सबसे पहले एमएस एक्सेस को ओपन कर लेता हूं। मेरा एमएस एक्सेस ओपन है। टेबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट मेनू में जाता हूं, यहां से टेबल डिजाइन, फील्ड नेम, डेटा टाइप और डिस्क्रिप्शन, तीन चीजें पूछ रहा है। फील्ड नेम यानी कि जो अभी हमने सीखा कि जो टेबल बना रहा हूं उसको कौन सा कॉलम चाहिए, डेटा टाइप यानी उस पर किस प्रकार की इंफॉर्मेशन फिल करनी है, मुझे नंबर करना है, और क्या रखना, उनका नाम रखूंगा मैं, शॉर्ट टाइप मुझे रखनी एज क्योंकि मैंने नंबर्स में रखा है, और मुझे मुझे सिर्फ तीन ही कॉलम रखना है। तो मेरे टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन है, इसे सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं या कंट्रोल प्लस एस का। अब यहाँ पर पूछ रहे टेबल नेम, तो जिस नाम से आप टेबल डिजाइन कर रहे हैं उसे आप नाम दे दीजिए, इनका एबीसी नाम से। इसका प्राइमरी की डिफाइन, प्राइमरी की क्या होती है ये हम अभी नेक्स्ट थोड़ी देर में सीखेंगे, तो अभी बोलेगा सिर्फ नो। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे टेबल ओपन है। एम्प्लॉय नंबर, नेम, एज, एम्प्लॉय नंबर, नेम और एज जो कि मैंने टेबल
क्रिएट कर रखी है। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट टॉपिक होता है इसमें इंटीग्रिटी रूल, इंटीग्रिटी रूल्स यानी कि एंटर करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, डेटा को एंटर करने के लिए कुछ जो रूल्स फॉलो किए जाते हैं उन्हें बोला जाता है इंटीग्रिटी रूल्स। डेटा को फिल करने के लिए जिन रूल्स की आवश्यकता होती है उन्हें हम इंटीग्रिटी रूल्स भी कहते हैं। इंटीग्रिटी रूल्स आर द रूल्स इन एक्सेस टू सच रूल्स विथ हूज हेल्प डेटा इज स्टोर्ड इन द रिलेशनशिप। यानी इंटीग्रिटी का मीनिंग यह होता है कि जिसकी हेल्प से हम डेटा को स्टोर करते हैं या जिसकी हेल्प से हम डेटा को फिल कर सकते हैं। इंटीग्रिटी का यूज अधिकतर रिलेशनशिप पे किया जाता है। तो ऐसा बोला जा सकता है कि इंटीग्रिटी रूल्स ऐसे रूल्स होते हैं जिनकी हेल्प से रिलेशनशिप में डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला आता है इंटीग्रिटी रूल्स इन टू टाइप्स ऑफ एक्सेस। यानी एक्सेस में इंटीग्रिटी रूल्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या होता है देख लेते हैं। प्राइमरी की मेक्स इट पॉसिबल टू यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड और रो ऑफ अ टेबल। वी कैन नॉट सेट अ प्राइमरी की टू एनी फील्ड ऑफ अ एंटिटी हुज रिपीटेशन इज पॉसिबल। यानी प्राइमरी की एमएस एक्सेस में यूज होने वाला एक ऐसा डेटा ऐसा एक्सेस में यूज होने वाला एक ऐसा रूल्स एक ऐसा नियम होता है जिसे किसी भी कॉलम या रो को यूनिकली आइडेंटिफाइड करने के लिए अप्लाई किया जाता है। यानी प्राइमरी की को हम कॉलम्स पर अप्लाई करते हैं। वी कैन नॉट सेट अ प्राइमरी की टू एनी फील्ड ऑफ अ एंटिटी हुज रिपीटेशन इज पॉसिबल। यानी प्राइमरी की का यूज हम उस एंटिटी या उस टेबल में नहीं कर सकते जिसमें डेटा रिपीट होता है, उस टेबल की फील्ड में हम यूज नहीं कर सकते जिसमें डेटा रिपोर्ट कर रहा है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि प्राइमरी की एक ऐसा रूल्स एक ऐसा नियम होता है जिसे किसी भी कॉलम पर अप्लाई करने से उस कॉलम में वैल्यू ना तो रिपीट की जा सकती है और ना ही हम उसे खाली छोड़ सकते हैं। प्राइमरी की को हम एक्सेस में अप्लाई करके देख लेते हैं। जो हमने डेटाबेस बनाया था उस पर राइट क्लिक करके डिजाइन व्यू और यहाँ पे जो आपका एम्प्लॉय नंबर आ रहा है मैं चाहता हूँ कि इसमें कोई भी डेटा या किसी एम्प्लॉय नंबर जो है वो कभी रिपीट ना हो, तो इस पर प्राइमरी की अप्लाई करने के लिए इस पर राइट क्लिक कीजिए और प्राइमरी की आप दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो प्राइमरी की एक चाबी की तरह मेरी फील्ड पर अप्लाई हो चुकी है और यस कंट्रोल दबाइए। तो अभी हमने देखा कि टेबल में किसी भी कॉलम या फील्ड पर प्राइमरी की को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। प्राइमरी की जो है वो दो प्रकार की होती है। दे आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी की, सिंपल प्राइमरी की और कंपोजिट प्राइमरी की। सिंपल प्राइमरी की यानी द सिंपल प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ ओनली वन फील्ड। यानी सिंपल प्राइमरी की एक ऐसी प्राइमरी की है जो किसी एक ही कॉलम पर अप्लाई की जा सकती है। कंपोजिट प्राइमरी की, द कंपोजिट प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन फील्ड। यानी कंपोजिट प्राइमरी की उस प्राइमरी की कहते हैं जब हम एक से ज्यादा कॉलम्स को अप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि यदि आप प्राइमरी की को एक टेबल के अंदर यदि आप किसी एक ही कॉलम पर प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं तो वो कहलाती है आपकी सिंपल प्राइमरी की या सिंगल प्राइमरी की। और यदि आप एक ही टेबल के अंदर एक से अधिक कॉलम पर प्राइमरी की को अप्लाई करते हैं तो उस प्राइमरी की को कंपोजिट प्राइमरी की के नाम से जाना जाता है।
एंटीग्रिटी रूल्स में सेकंड रूल्स होता है हमारा फॉरेन की। फॉरेन की इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप ऑफ वन टेबल विथ अनदर टेबल इज टू लिंक अ टेबल विथ अनदर टेबल, यानी फॉरेन की का यूज हम सीखेंगे रिलेशनशिप में। तो फॉरेन की एक ऐसी की एक ऐसा रूल्स होता है, एक ऐसा इंटीग्रेटिव रूल्स होता है जो कि दो टेबल्स को आपस में लिंक करने का काम करता है, जिससे कि दो या दो से ज्यादा टेबल्स के बीच में डेटा की शेयरिंग की जा सके। तो आज हमने सीखा टेबल्स क्या होती है, उसके अंदर फील्ड क्या होता है, और फील्ड्स में डेटा फिल करने के लिए किन रूल्स का उपयोग किया जाता है, जिन्हें की एंटीग्रिटी रूल्स कहा जाता है।